दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इवेंट के बारे में, जिस इवेंट को आप बहुत दिन से आप लोग जो है खोज रहे थे कि ये इवेंट अभी क्यों नहीं आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी जो है फैमिली कार्ड का इवेंट यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया है, जो कि 5 अगस्त से 9 अगस्त तक चलने वाला इवेंट है। बहुत ही अच्छा इवेंट है, काफ़ी टाइम से ये इवेंट नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ इसके, वैसे इसके बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा फैमिली कार्ड कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको कार्ड जो है 3 टाइम्स ड्रॉ करना होता है एक आईडी पे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ नॉर्मल से टास्क होते हैं, जैसे कि डेली चेकिंग। अगर आप डेली चेकिंग करते हो तो आपको यहाँ पे 2 टाइम और भी मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए एक्स्ट्रा। अगर किसी को आप सेंड करते हो कार्ड तो भी आपको यहाँ पे 1 टाइम जो है मिलेगा ड्रॉ करने के लिए, 2 टाइम्स आप ले सकते हो इससे भी। तो यहाँ पे आप अगर आप ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फ्रेम का वो मिलेगा। यहाँ पे मतलब इसका एक पीस मिलेगा, पूरा फ्रेम नहीं मिलेगा। इस पीस को आपको कलेक्ट करना होगा पूरा फ्रेम पाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक रोज़ वाला गिफ्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है इस इवेंट को, ये इवेंट जो है हमारे इंडिया कंट्री में नहीं आया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा इवेंट किस कंट्री में अभी इवेंट चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, शॉप का ऑप्शन। और शॉप के ऑप्शन में आप जो है कार्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो भी सुपरस्टार कार्ड आप बनाते हैं, सुपरस्टार कार्ड से अगर आपके पास 10 सुपरस्टार कार्ड है तो यहाँ पे अलग अलग, देखिए यहाँ पे रोज़ है, ये किस वाला गिफ्ट है, यहाँ पे माइक है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग गिफ्ट हैं। तो मतलब सुपरस्टार कार्ड को आप एक्सचेंज करके ये वाले जो गिफ्ट हैं वो ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन कार्ड को भी आप चाहें तो एक्सचेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सुपरस्टार कार्ड कैसे बनाने हैं, यहाँ पे जब सारे कार्ड आपके पास हो जाएंगे, मतलब डायमंड वाला, ये वाला, ये जो अलग अलग डायमंड वाले कार्ड हैं, इनको आप जब सारे कार्ड आपके पास हो जाएंगे तो आप एक सुपरस्टार कार्ड बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रैंकिंग भी देखने को मिल जाएगी। रैंकिंग में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग रैंकिंग है, तो ये जिस कंट्री में आया है उसी कंट्री की यहाँ पे रैंकिंग जो है दी गई है। रिवार्ड्स में अगर माना जाए तो यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स रिवार्ड में ये सारे जो है गिफ्ट मिलने वाले हैं। फ्रेगमेंट रिवार्ड में आपको ये मिलेगा 3 डेज़ का। साथ ही साथ रैंकिंग में 1 से 50 पे आने पे 7 डेज़ का ये जो है स्टार वाला माउंट मिलेगा। साथ ही साथ 1000 कॉइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप 200 की रैंकिंग में आते हैं तो 600 कॉइन, अगर आप 200 से 500 की रैंकिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पे 300 कॉइन देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास एक सुपर स्टार कार्ड है तो आपको यहाँ पे 25 डे ये वाला गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ एक बैज मिलेगा। अगर 2 सुपर स्टार कार्ड है तो ये सारा कुछ मिलेगा। 3 है तो यहाँ पे ये मिलने वाला है, 5 है तो ये मिलने वाला है, मतलब अलग अलग रिवार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो है इवेंट किस कंट्री में आया, तो फाइनली आपको मैं बता दूँ, आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इवेंट है इटली कंट्री में आया है। इटली ही कंट्री आपको लगानी है, आपको पहले आईडी बना लेनी है, उसका कंट्री चेंज करके आपको इटली कंट्री लगा देना है। और इटली कंट्री में ये जो है आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा, इसका मज़ा आप उठा सकते हैं यहाँ से कंट्री अपनी चेंज करने के बाद में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।